नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 2021 का विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर का सबसे कठिन चुनाव साबित हो रहा है, क्योंकि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच उन्हें अपना सत्ता बचाए रखने की चुनौती है। इस चुनौती से पार पाने के लिए उन्हें न सिर्फ बीजेपी से पार पाना है, बल्कि जिस वोट बैंक के बदौलत वो बंगाल में एक छत्र राज कर रही है, उसमें भी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सेंधमारी करने में जुटे हुए हैं, जिससे ममता बनर्जी और भी ज्यादा बेचैन नजर आ रही हैं। यही वजह है कि अभी तक पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला कर रही ममता बनर्जी ने अब असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट पर लिया है। बंगाल के कूच बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। दीदी ने कहा है कि ओवैसी चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। कूच बिहार जिले के दिनहाटा में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि एक शख्स हैदराबाद से बंगाल में चुनाव लड़ने आए हैं, उन्होंने बीजेपी से पैसे लिए हैं और बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए अपनी पार्टी AIMIM के उम्मीदवार यहां उतारे हैं। किसी भी सूरत में उन्हें बंगाल में पैर जमाने की इजाजत नहीं देनी है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नंदीग्राम से जीत रही हूं, लेकिन ये चुनाव सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि TMC 200 से अधिक सीटें जीते, अन्यथा बीजेपी अपनी धन शक्ति का इस्तेमाल गद्दारों को खरीदने में करेगी। अब जब ममता बनर्जी ने ओवैसी पर पहला बाण चलाया है, तो ओवैसी कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी अपने सियासी तर्कश से एक तीर निकाली और ममता बनर्जी पर हमलों की बौछार कर दी। ओवैसी ने ममता दीदी को जवाब देते हुए कहा कि 30 अप्रैल 2002 को जब गुजरात जल रहा था, तब दीदी बीजेपी के साथ थी। क्या दीदी ने गुजरात के पीड़ितों को मुफ्त में या एक मंत्री पद के लिए बेच दिया। ओवैसी ने आगे कहा कि आप ऐसे लोगों को नहीं खरीद सकते जिनके पास कोई गोत्र नहीं है। आप उन लोगों को नहीं डरा सकते जिन्हें कोई डर नहीं होता। बीजेपी आएगा। कहने के अलावा आपने बंगाल के मुसलमानों के लिए क्या किया है। बंगाल के 15% मुसलमान औपचारिक शिक्षा से बाहर है। 80% लोग 5000 से भी कम पर गुजर बसर कर रहे हैं। ग्रामीण बंगाल में 38.3% लोगों की आमदनी 2500 रुपए है। वहीं 3/4 से ज्यादा मुसलमानों के पास जमीन नहीं है। मुस्लिम केवल ममता बनर्जी की जीत नहीं चाहते, बल्कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और राजनीतिक सशक्तिकरण भी चाहते हैं। जब वो 2003 में RSS बीजेपी के साथ जुड़ी थी, तब भी हम इसका विरोध कर रहे थे। वो तब से मंत्री, CM आदि बन गए, लेकिन हमें क्या मिला। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।